हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के साथ हम लोग यूट्यूब में हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं। आज 50वां वीडियो हो जाएगा और साथ ही साथ आज के दिन हम लोग 1 मंथ अपने चैनल का कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसी खुशी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो को, जो कि है आपका लिफ्ट प्रॉब्लम। इसमें हम लोग रिलेटिव मोशन में डिस्कस करेंगे वैसे केस जिस केस में हम लोग किसी लिफ्ट के इनसाइड रहते हैं और उस केस में प्रोजेक्टाइल को अप डाउन या किसी एंगल पे थ्रो किया जाता है। तो चलिए फटाफट शुरू किया जाए। तो लिफ्ट प्रॉब्लम में है क्या कि मैंने आपको क्या बताया कि इस केस में हम लोग क्या रहता है कि आप किसी लिफ्ट के इनसाइड रहते हैं, आप किसी लिफ्ट के इनसाइड बैठे रहते हैं और जो इस लिफ्ट में है प्रोजेक्ट किया जाता है कोई पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, तो सपोज़ कि जिसको आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो इसमें होगा क्या कि अगर अगर कोई ऑब्जर्वर जो कि आप है अभी खुद, अगर ये ऑब्जर्वर इस बॉल को देखेगा तो वो क्या देखेगा कि ये बॉल सिंपल ऊपर गया और इसके हाथ में आ गया, सर पे नहीं हाथ में आता है यहाँ पर, तो इसके हाथ में आ गया। तो ये एक फुल प्रोजेक्टाइल मोशन, एक फुल वन डायमेंशनल मोशन हम लोग बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल तो इसको नहीं बोल सकते हैं, एक फुल वन डायमेंशनल मोशन है और इस पूरे टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेगा, पूरे टाइम को क्या बोलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन इमेजिन कीजिए कि कोई आदमी बैठा हुआ बाहर बैठा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा होगा, जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा होगा उसके रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ दिखेगा कि ये लिफ्ट के अंदर से किसी ने बॉल को थ्रो किया, ये बॉल ऊपर गया। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि लिफ्ट नीचे आ रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ जो लिफ्ट है डाउनवर्ड, मैं वेलोसिटी की हेल्प से समझाता हूँ आपको, तो वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट डाउनवर्ड है, तो कुछ देर के बाद लिफ्ट का जो पोजिशन हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, लिफ्ट अपने पोजिशन से इनिशियल पोजिशन से नीचे आ जाएगा और ये जो आदमी देखेगा ये देखेगा क्या कि ये बॉल यहाँ से ऊपर गया और सिंपली ये नीचे आ गया। हम लोग ये अवॉइड कर चल रहे हैं कि लिफ्ट से टकराएगा, ये सब कंडीशन अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग मान रहे हैं कि लिफ्ट का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसके लिए टकराने का हम लोग केस नहीं अज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो बाहर का आदमी है वो ये बाहर का आदमी क्या देखेगा, ये देखेगा कि बॉल ऊपर गया लेकिन ये लिफ्ट जो है थोड़ा नीचे मूव कर गया, तो उसके कारण ये बॉल जो है वो एक कंप्लीट अप डाउन मोशन नहीं किया बल्कि अपने पोजीशन से क्या आ गया है, नीचे आ गया है, अपने स्टार्टिंग के पोजीशन से क्या आ गया है, नीचे आ गया है। अब ऐसे केस में दिक्कत ये होती है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर आप सॉल्व करना चाहिएगा तो आपको वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट चाहे या एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट एक्सलेट भी करेगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम लोग लिफ्ट के अंदर बैठकर आराम से आराम कर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो बात सिंपल है कि ये बोलेगा क्या, ये जो अंदर का कोई भी आदमी है वो बोलेगा कि हमको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है और ये जो मोशन है वो एक कंप्लीट मोशन है। ये मोशन कैसा है, एक कंप्लीट मोशन है। लेकिन ये अगर हम लोग इस केस में ये आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, जो आदमी अंदर बैठा हुआ है ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर कहने का मतलब जो लिफ्ट का ऑब्जर्वर होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लिफ्ट का ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट मोशन हुआ है, एक अप और डाउन, ये कंप्लीट मोशन हुआ, इसको मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन वही बाहर के कोई आदमी है तो उसके अकॉर्डिंग जो मोशन होगा वो, अगर सपोज कीजिए कि लिफ्ट ग्लास से बना हो, तो ग्लास से बना हुआ तो वो दिखेगा कि बॉल ऊपर गया और लेकिन लिफ्ट नीचे आ गया, बॉल क्या गया ऊपर गया फिर लिफ्ट नीचे आ गया, तो उसके कारण बॉल को यहाँ आना पड़ेगा, वो ग्राउंड पे लिफ्ट के फ्लोर पे स्ट्राइक करने के लिए बॉल को कहाँ आना पड़ेगा, एग्जैक्टली नीचे आना पड़ेगा। लेकिन वही अगर ऑब्जर्वर यहाँ हो, ऑब्जर्वर आप देख रहे हैं कहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ हो तो वो क्या देखेगा कि ये तो सिंपल सा मोशन है और हम लोग ऐसा मोशन पढ़ चुके हैं। तो इसी कारण से मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी लिफ्ट का क्वेश्चन है, जब भी लिफ्ट का क्वेश्चन है तो आप आराम से लिफ्ट में बैठ जाइए, जब भी आपको लिफ्ट का क्वेश्चन है तो आप आराम से लिफ्ट में बैठ जाइए और उसके अंदर बैठ कर सॉल्व कीजिए। तो मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि सॉल्व दीज क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट,
अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना है, तो उस केस में हर चीज़ जो है आपको लिफ्ट के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ क्या कि मान लिया जाए कि जो लिफ्ट का एक्सलेशन क्या है वो अपवर्ड है, एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है, एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट क्या है, अपवर्ड है। तो अगर मुझे ये निकालना हो कि एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, देखिए अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ कर सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे वेलोसिटी भी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में चाहिए, एक्सलेशन भी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड वेट, अगर मैं बात करूँ कि एक्सलेशन ऑफ बॉल जो होगा लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, कोई लिफ्ट के अंदर जो बैठा हो उसके रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे, एक्सलेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट, ये बोलेंगे हम लोग। तो आप डिसाइड कीजिए किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए। तो अगर ऊपर को आप पॉजिटिव मानते हैं जो कि इन जनरल हम लोग माना करते हैं, तो एक्सलेशन ऑफ बॉल होगा माइनस जी। आपको तो पता है कि एक्सलेशन जो बॉल का फ्री एयर में एक्सलेशन कितना होता है, माइनस जी, वो एक्सलेशन थोड़ी चेंज होगा, माइनस एक्सलेशन ऑफ लिफ्ट जो है प्लस ए आप बोल रहे हैं, ए एल, ठीक है, या आप ए रखिए, सिंपल रखिए, कि मैं बताता हूँ कि आप ए ही रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ नाम नहीं चूज करने जा रहा हूँ, ए नाम आपका यूज करने के लिए फ्री है। तो आपका एक्सलेशन ए हो जाएगा इसका, तो जो फाइनल एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनस ऑफ जी प्लस ए। इसको हम लोग जी इफेक्टिव के नाम से ही जानते हैं, इफेक्टिव जी, मतलब ये बोलना मैं चाह रहा हूँ, इसको मैं काफ़ी जगह यूज करने वाला हूँ। ये जो जी इफेक्टिव है, एक तरीके से लिफ्ट के अंदर की दुनिया, लिफ्ट के अंदर की दुनिया का एक्सलेशन है। हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि अगर लिफ्ट के अंदर कोई बैठ गया है तो इस दुनिया में जो है वो एक्सलेशन ऐसा हो गया है डाउनवर्ड की तरफ, जी प्लस क्या हो गया है, ए। तो याद रखिए कि अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। वही अगर लिफ्ट नीचे जाएगा तो उस केस में जी माइनस ए होने वाला है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, तो इतना आंसर हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या बोलूँगा कि आपका जो भी फार्मूला आपको यूज करना है, जो भी फार्मूला यूज करना है, इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए अब टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो आप 2u बाई आप जी इफेक्टिव यूज कर दीजिए, हर चीज़ वही होने वाला है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक बार प्रूव कर दिखा देता हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा तो भरोसा होने वाला है नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला कैसे लिख दिए सर। तो मैं बोलूँगा क्या कि आप ऐसा कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंटू टी माइनस हाफ जी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। आप इसको ये लिखना चाहिएगा या आप इसको प्लस साइन पुट कर कर, प्लस साइन पुट कर कर और क्या पुट कर सकते हैं आप, देखिए बिल्कुल हम लोगों को बिल्कुल बेसिक से सीखना है, ऐसा नहीं कुछ रटने वाला चीज़ नहीं। एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, याद रखिए कि काइनेमेटिक्स का जो ही फॉर्मूला है आप लिखते थे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लिखा करते थे, तो यह एस यू ए ये आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देता था, एस देता था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यू होता था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक्सलेशन भी क्या होता था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन मैं आपको तो बता चुका हूँ कि आप फ्रेम किसी को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक फ्रेम को चेंज करेंगे, मतलब अगर आप एक्सलेशन किसी और फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो वेलोसिटी भी आपको उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेना होगा, एस भी उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेना होगा। जैसे कि इन जनरल हम लोग का भी फ्रेम क्या हुआ करता था, अर्थ हुआ करता था, तो सारी चीज़ें अर्थ के रिस्पेक्ट में निकलती थी। लेकिन यहाँ अगर मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा हूँ, तो आराम से वहीं पर बैठ कर सारा चीज़ लिखूँगा, सारी चीज़ क्या लिखना होगा, उसी के रिस्पेक्ट में। तब सोचिए कि जब ये बॉल अप से डाउन होकर आता था, जब ये बॉल आप देख सकते हैं कि जब ये बॉल आदमी के हाथ से छूटता था और अप से डाउन एक मोशन कंप्लीट करके आता था, आप देख रहे हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि लिफ्ट के अंदर आदमी खुद ही फेंक रहा, देख रहा है कि मेरे हाथ में आ गया बॉल को, आदमी ने खुद ही ऊपर फेंका और देखा कि मेरे हाथ में लौट कर गया, तो क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो बोलेगा वो, इज इक्वल टू, तो आप लिखिए जीरो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इसको आप छोड़ दीजिए, ये आपको दे दिया करेगा वो इन टू टी प्लस हाफ एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। एक तरीके से आप समझ चुके हैं, माइनस ऑफ जी प्लस ए हो जाएगा,
जी इफेक्टिव जिसको हम लोग बोलते थे, इंटू टी एस स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा टी एस स्क्वायर। तो यहाँ से जो टी का वैल्यू आ जाएगा वही आपका टाइम फ्लाइट होगा और हो जाएगा टू यू और बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बाई जी प्लस ए। इसको आप टू यू रिलेटिव डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव बोलेंगे, यू रिलेटिव यू इफेक्टिव आप कुछ भी बोल दीजिए, बात क्या है सेम है, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि आप बोलिएगा क्या, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर, एक बात मैं बता दे रहा हूँ ऑब्जर्वर, तो आप क्या बोलिएगा कि क्या होगा अगर हम लोग एच मैक्स निकालेंगे। तो एच मैक्स सारे फॉर्मूले वही हैं, एच मैक्स याद रखिए ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हम लोग बात करें, एच मतलब लिफ्ट के अंदर कोई बैठा रहेगा उसके अकॉर्डिंग एच मैक्स कितना होगा, फ्लोर से कितना ऊपर जाएगा। तो आप बोलिएगा कि यू ए स्क्वायर, यू रिलेटिव है स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा टू जी इफेक्टिव, तो ये सारे फॉर्मूले वैलिड रहेंगे। एक बात और लिख लिया जाए, मतलब हर चीज को चेंज कर देना है। इफ लिफ्ट एक्सलेटिंग डाउनवर्ड, अगर लिफ्ट जो है डाउनवर्ड की तरफ एक्सलेट कर रहा है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि अगर लिफ्ट डाउनवर्ड की तरफ एक्सलेट कर रहा है तो उस केस में आपका एक्सलेशन ऑफ जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अगर लिफ्ट के अंदर कोई बैठ जाएगा वो देखते रहेगा किसी चीज़ को, उसने बॉल को थ्रो किया वगैरह किया तो वो देखेगा, तो उसके लिए अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस केस में जो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ क्या बोलते हैं बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल आप बोलते हैं। आप किस डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं, नीचे की तरफ निगेटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। तो बॉल का एक्सेलरेशन तो ऐसे तो इन रियल तो बॉल का एक्सेलरेशन अभी कितना है, जी ही है नीचे की तरफ, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ जो लिफ्ट है वो माइनस से हो गया है, तो आपका क्या जाएगा माइनस ऑफ जी माइनस ए। तो इसको हम लोग जी इफेक्टिव बोला करते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी इफेक्टिव। तो अगर लिफ्ट ऊपर जाए तो उस केस में जी इफेक्टिव जी प्लस से हो जाएगा, और अगर लिफ्ट नीचे जाए तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा जी माइनस ए। याद रखिए थोड़ा सा उल्टा है, आपको हो सकता है कि उल्टा लगे, लेकिन याद रखिएगा कि अगर लिफ्ट नीचे जाए तो जी इफेक्टिव क्या होने वाला है जी माइनस ए, नीचे जाए नहीं नीचे एक्सेलेट करे, जाना और एक्सेलेशन जो ही नहीं कि नीचे जाएगा तो एक्सेलेशन भी नीचे की तरफ ही होगा। जरूरी नहीं है कि अगर नीचे जाएगा लिफ्ट, अगर नीचे जाएगा तो एक्सेलेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होना जरूरी नहीं है। मैं आपको लास्ट बता देता हूँ, आप याद दिलवाइएगा, ओके दैट वॉज अ जोक। अब बल्ब क्वेश्चन है आपका, हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। दिया हुआ कि अ बल्ब फेल फ्रॉम द रूफ ऑफ एन एलिवेटर, मतलब लिफ्ट ही है एक तरीके से, मूविंग विथ अपवर्ड एक्सलेशन ऑफ 2 m/s², एक्सलेशन ऊपर है, फाइंड द टाइम व्हेन इट हिट्स द फ्लोर फ्लोर इफ हाइट ऑफ रूफ इज, ये इफ है ठीक है, इफ हाइट ऑफ रूफ इज हाउ मच, इफ हाइट ऑफ रूफ इज 6 m। तो दिया गया है कि एलिवेटर के टॉप से, मतलब इस एलिवेटर के जो एलिवेटर का जो रूफ है, एक मिनट, हाई हिट्स द फ्लोर इफ, अगेन व्हाई आई एम राइटिंग ऑफ, चलिए इसी बहाने कुछ टाइम पास हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ ऐसे भी। इफ हाइट ऑफ रूफ इज 6 m, तो दिया हुआ ये है कि क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, कोई आदमी को बैठा दीजिए, मैं बता कि जब भी आपको लिफ्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको डायरेक्ट लिफ्ट के अंदर घुस जाना है बिना कुछ सोचे समझे, भले ही बिजली हो या नहीं हो। तो एलिवेटर मूविंग विथ अपवर्ड एक्सलेशन, तो एक्सलेशन अपवर्ड कितना हो गया है 2 m/s² हो गया है। चलिए तो बोला कि यहाँ से अगर सीलिंग से गिर जाता है कोई बल्ब तो कितने देर में फ्लोर को हिट करेगा। तो देखिए इन जनरल ऐसे अगर बनाइएगा तो क्या हुआ दिक्कत, दिक्कत यह है कि बल्ब कुछ नीचे, इन जनरल क्या होना चाहिए कि बल्ब नीचे आएगा लिफ्ट ऊपर जाएगा, तो दोनों मिलाकर एच चलेंगे। लेकिन अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊँ, ध्यान सुनिएगा मैं बात जो बोल रहा हूँ, अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊँगा तो मैं बोलूँगा कि मेरे को बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है। आपका ये मानकर चलिए कि लिफ्ट में ग्लास बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, तो लिफ्ट में ग्लास नहीं लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल भूल जाना है कि आप लिफ्ट में हैं, आप
अब ये सोचिए कि अगर बल्ब नीचे आएगा तो आप देखिएगा कि पहले तो यहाँ था, एच हाइट पे था, अब तो मेरे नीचे आ गया है, एग्जैक्टली मेरे बराबर आ गया। तो यहाँ अगर आ गया तो कितना चला वो, एच नीचे चला। और ये फॉलिंग का केस है, डायरेक्ट हम लोग ये मानेंगे कि अगर इसके रूप से फॉल हो रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो जीरो वेलोसिटी होगा ना, लिफ्ट के वेलोसिटी में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो फॉल कर रहा है, बिल्कुल लिफ्ट की दुनिया में चले गए हम लोग। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट याद है किसी हाइट से ड्रॉप होता था तो क्या होता था, बिल्कुल याद है आपको, अंडर टू एच बाई जी इफेक्टिव आप कर दीजिए, टू एच बाई जी होता था, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी इफेक्टिव, सारा फॉर्मूला वैलिड है। अब ये बताइए कि ऊपर जाने में जी इफेक्टिव कितना होता है, आपको बिल्कुल याद है, टू टाइम्स ऑफ एच का वैल्यू कितना हो गया है, टू, और जी इफेक्ट के वैल्यू, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए, तो जी 10+2 हो जाएगा। इस केस में जो ऊपर जाता है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, जी प्लस ए, ठीक है। ये माइनस तो आपको ये दिखाता है कि नीचे की तरफ है, माइनस क्या दिखाता है टोटल में, कि नीचे की तरफ है, अदरवाइज जो जी इफेक्टिव है वो जी प्लस ए हो जाता है नीचे की तरफ। तो जी इफेक्टिव मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ जी प्लस ए, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। तो 6 × 12 1 सेकेंड आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जैक्टली 1 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा, फ्लोर को हिट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द लिफ्ट थ्रोज अ बॉल विथ 5 मीटर पर सेकेंड, आदमी अंदर बैठकर 5 मीटर पर सेकेंड से बेसिकली वो थ्रो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, वो खुद के रिस्पेक्ट में थ्रो करता है। तो खुद के रिस्पेक्ट में मतलब क्या हो गया, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो बोला है कि अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द लिफ्ट थ्रोज अ बॉल विथ 5 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ एंड लिफ्ट इज मूविंग विथ डाउनवर्ड एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि बहुत लोग को पता नहीं चल रहा, अगर डाउनवर्ड है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच ही विल एबल टू कैच द बॉल अगेन, बोल रहा है कि कितने के बाद कैच करेगा बॉल को। तो बिल्कुल सिंपल सा बात है कि मैंने आपको ही बताया है सोल्यूशन जो है, हम लोग ऐसे करेंगे कि लिफ्ट के अंदर वो था, बैठाइए उसको लिफ्ट के अंदर, कहाँ जाएगा बचकर, ये थ्रो करता है और कितने से थ्रो करता है, वो 5 मीटर पर सेकेंड, और खुद के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करता है। मतलब आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे ही दिया, वो बॉल ऊपर जाएगा फिर इसके हाथ में आ जाएगा कैच करने के लिए। तो देखिए इस केस में फिर से बताता हूँ कि आप लिफ्ट के अंदर चलिएगा तो मोशन सिंपल देखेगा, देखिएगा कि ये पूरा कंप्लीट किया है। लेकिन अगर बाहर आप जाइएगा और सोचिए कि ये डाउनवर्ड एक्सलेशन है, तो डाउनवर्ड एक्सलेशन मान लीजिए वो डाउनवर्ड मूव ही कर रहा है इसे, तो एक्चुअली अगर बाहर रहेगा तो लिफ्ट बॉल आदमी यहाँ फेंकेगा, ऊपर जाएगा बॉल, लेकिन ऊपर जाकर जब यहाँ लौटेगा तो देखा कि तो आदमी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो उसको और नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे चला गया है लिफ्ट। तो ये इतना मोशन हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना हम लोग याद है कि हम लोग कैसे सॉल्व करता किया करते थे, बिल्कुल आपको याद होगा, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने पर और नीचे चला जाता था प्रोजेक्टाइल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मेहनत करना पड़ता था निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे हम लोग, तो वैसा है यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं, और इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 2u relative by g effective, ठीक है। अब g effective 2u relative कितना है, 5, g effective आप बताइए तो इस केस में g माइनस होता है कि नहीं, इस केस में g effective जो है वो g माइनस क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो आप g माइनस a कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 - 2 आपका 8 हो जाएगा, तो 10/8, और यू कैन से 5/4 सेकेंड्स, 5/4 सेकेंड आपको पता होगा, ये 1.25 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। अब देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया, बिल्कुल डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, लिफ्ट के अंदर बैठकर बिल्कुल बनाना है, एकदम आराम का चीज़ है हम लोगों को बनाना। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द लिफ्ट एज ए सोन इफ द वेलोसिटी इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट देन फाइंड, मतलब ये जो वेलोसिटी दिखाया गया और विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दिया गया, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दिया हुआ है तो आप क्यों बाहर बैठिएगा, अंदर बैठिए चुपचाप, अंदर एसी वगैरह लगा हुआ है, तो अंदर आप बैठिएगा तो जो ये जाएगा बॉल ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे हिट करेगा। हम लोग को लिफ्ट का जो है दिया हुआ है, कंसिडर द लिफ्ट इज क्वाइट लार्ज, तो इसमें आपको चिंता नहीं करना है कहाँ स्ट्राइक करेगा कहाँ नहीं करेगा। तो वो अंदर बैठ जाएगा तो इस दुनिया का बस ये देखिए कि इस हर चीज़ तो यू तो है रिलेटिव दिया हुआ, यू का जो वैल्यू है क्या है, रिलेटिव दिया हुआ। तो अब दुनिया का हर चीज़ जो है, इस दुनिया का जो जी हो जाएगा, जी इफेक्टिव डाउनवर्ड की तरफ होगा, डाउन डायरेक्शन तो मैं दिखा चुका हूँ, और जी इफेक्टिव नीचे की तरफ आने में कितना होता है, जी माइनस से होता है, याद है।
बिल्कुल याद है आपको। तो 10 माइनस 4 आप कीजिएगा तो कितना देगा, 6। तो इस दुनिया का जो जी है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग अगर फर्स्ट सॉल्व करना सर के, तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या लिखते थे, 2u sin थीटा बाई जी लिखते थे। तो जी इफेक्टिव कर दीजिए, 2 आपको यू साइन थीटा आपको पता होगा कि हम लोग लिखने वाले हैं 10√2, और sin 45 वन बाई क्या हो जाएगा, √2। और जी इफेक्टिव कितना आपको है पता ही है, बिल्कुल 6 है। तो ये कर कितना हो जाएगा, 20/6, इट मीन्स 10/3 सेकेंड्स। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट का बात करें, सेकेंड पार्ट में आपको पूछा है कि हाइट कितना होगा, एच मैक्स और द फ्लोर ऑफ लिफ्ट। कोई दिक्कत है इसमें, एच मैक्स अगर ग्राउंड से ऊपर, फ्लोर से ऊपर कितना, लिफ्ट के फ्लोर से ऊपर पूछ रहा है कितना जाएगा। तो इस दुनिया में लिफ्ट की दुनिया में एच मैक्स कितना होगा वो पूछा गया है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच मैक्स। सो इफ यू के वॉन्ट टू कैलकुलेट द एस एम एच, इट्स u² sin² θ बाई कितना होता है, 2g। इफेक्टिव कर दीजिए, हर चीज़ यहाँ इफेक्टिव होता है। तो हो जाएगा 10√2 का स्क्वायर, sin² θ को आपको पता है कि 1/√2 हो जाएगा, 45 का स्क्वायर बाई जी इफेक्टिव, 2 टाइम्स ऑफ द जी वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव इज 6। तो है आपका 100/12, और यू कैन से 25/3 मीटर्स, दिस इज द हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द बॉल। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि रेंज कितना होगा। तो रेंज निकालने के लिए क्यों इतना दिमाग लगेगा, आप ऐसा कीजिए कि आप लिखिए u² sin² θ बाई जी इफेक्टिव। भाई क्या कीजिए, जी इफेक्टिव कीजिए, u² तो आपको पता ही है 10√2 का स्क्वायर, और sin² θ 90 हो गया, तो 90 डिग्री बाई जी इफेक्टिव कितना हो गया है, जी इफेक्टिव तो हर बार पुट करते आ रहे हैं, 6 हो गया है। तो आपको हो जाएगा 10 × 10 × 2/6, इट मीन्स 100/3 मीटर्स। तो दैट इज द रेंज, वैल्यू ऑफ रेंज। तो इस तरह से हम लोग याद रखें कि लिफ्ट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो लिफ्ट के अंदर आपको बैठने आना चाहिए, समझ कर बैठने आना चाहिए, ऐसे नहीं कि जाकर वहां बैठ गए फालतू का। अब चलिए मैं आपको एक नोट बता देता हूं, नोट ये है कि लिफ्ट की दुनिया कुछ ऐसी है, लिफ्ट की दुनिया ऐसी है कि यहां सभी लोग उठ जाते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर अगर सपोज कीजिए कि लिफ्ट जो है ऊपर एक्सलेट हो रहा है, तो अगर लिफ्ट ऊपर एक्सलेट हो रहा है तो उस केस में ये बॉल ऐसे जाएगा, ठीक है, उस केस में बॉल ऐसे जाएगा। ये जो लिफ्ट है, एक्सलेशन लिफ्ट को ऊपर की तरफ है। अगर एक्सलेशन नीचे की तरफ होना शुरू हो गया, एक्सलेशन नीचे की तरफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं एक्चुअली, मैंने इसको अलग केस दिखा दिया, वो बात सही है कि ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, इसको थोड़ा छोटा ही कर दे वही सही है। नोट हालांकि यहाँ से डालना था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ डाला। चलिए तो बेसिकली इस दुनिया का जो जी फैक्टिव है, मैं जी फैक्टिव लिख जाता हूँ, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो बोलते हैं कि जी प्लस से हो जाता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम लोग का नोट अगर 2 आता है, ये नोट 1 हो गया, नोट 2 आता है, और नोट 2 में ये बताता हूँ कि दिक्कत तब शुरू होती है जब लिफ्ट एक्सलेट करना हो शुरू कर दे नीचे की तरफ। तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलेट करना शुरू कर देगा, तो ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, ये क्या बकवास ड्रॉ हो रहा है, तो अच्छा से डायग्राम ही नहीं ड्रॉ होता। अगर जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ एक्सलेट करना शुरू कर दे, तो तमाशा यहाँ शुरू होता है, कन्फ्यूजन यहाँ शुरू होता है, कि अगर आप यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए तो ये इसी टाइप का कुछ पाथ फॉलो करेगा अगर ए का वैल्यू लेस देन जी हो। ए हर केस में नीचे की तरफ है, लेकिन ए का जो वैल्यू है, सपोज कीजिए कि नीचे की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ए का वैल्यू को लेस देन जी है, तो ऐसे कुछ जाएगा। अगर एग्जैक्टली ए का वैल्यू जी के बराबर बढ़ रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है
तो उस केस में अगर हम लोग एग्जैक्टली ए का जो वैल्यू है इक्वल टू जी कर दें, तो ए का वैल्यू अगर आप जी कीजिएगा तो इस केस में पता है क्या होगा कि जी इफेक्टिव जो है, जी इफेक्टिव इस केस में जो कि आप बोलते हैं माइनस ऑफ जी माइनस ए आप बोलते हैं, ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर जी इफेक्टिव जीरो हो गया मतलब इस दुनिया का जो ग्रेविटी है वो अगर जीरो हो गया तो उसका मतलब हो गया कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और ना ही तो पैराबोलिक मोशन होगा, ना ही तो पैराबोलिक मोशन होगा। और बाई चांस आप एक्सेलरेशन को फिर से आप बढ़ाएं, तो अगर आप एक्सेलरेशन को फिर से नीचे की तरफ बढ़ाएं तो इस केस में जो एक्सेलरेशन सपोज कीजिए ग्रेटर देन जी हो गया, डाउनवर्ड ही है लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू जी से ज़्यादा है, तो जी से ज़्यादा कहने का मतलब इस केस में आप जी इफेक्टिव अगर बोलिएगा इस केस में तो माइनस ऑफ जी माइनस ए आप कहिएगा, लेकिन ए तो ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा ये कितना, ए माइनस जी हो जाएगा फाइनली। और ए माइनस जी किधर आएगा? अपवर्ड की तरफ। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, थर्ड केस बहुत लोगों को दिक्कत होता है। अगर ये तो आपको हजम हो जाएगा, जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला केस है ये आपको हजम हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको आया था ऐसा देखने का। हजम नहीं शुरू होना होगा केस टू से, तो केस टू में बोल रहा हूँ कि अगर एक्सलेशन का वैल्यू एग्जैक्टली जी हो जाए, तो एक्सलेशन अगर जी हो जाए तो इस दुनिया का जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव जीरो होगा तो इसमें लोग क्या देखेंगे कि एक्सलेशन तो है ही नहीं, तो जिधर वो पार्टिकल को थ्रो करेगा उधर ही वो चला जाएगा, वो पार्टिकल को जिधर ही थ्रो करेगा उधर ही क्या हो जाएगा, पार्टिकल चला जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ क्यों आखिर चला जाता है, आपको फीलिंग दिलाता हूँ क्यों ऐसा होता है। तो देखिए अगर हम लोग ऐसे थ्रो करते हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इस लिफ्ट का एक्सलेशन है ए का वैल्यू जी है, तो सोचिए कि ये बॉल अगर किसी पोजिशन पर रहेगा तो उसको नीचे पुल किया जा रहा है जी से, और ये जो आदमी है खुद आदमी है वो भी नीचे जी से चला जा रहा है, तो कितना इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन दिखेगा? जीरो दिखेगा। फिर से सुनिएगा कि आपका बॉल पे तो जी लगता ही है, बॉल पे तो हमेशा जी लगता है, लेकिन ये आदमी भी अगर जी, लिफ्ट भी सपोज कीजिए कि लिफ्ट का स्ट्रिंग हो और टूट गया तो लिफ्ट कितने से जाएगा? वो जी से जाएगा नीचे। स्ट्रिंग जो है लिफ्ट में लगा हुआ, जिसके जिसके हेल्प से वो लिफ्ट टंगा हुआ रहता है या कंट्रोल मोशन में चलता है, तो वो अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो ये आदमी किससे जाएगा? वो जी से नीचे जाएगा। अगर वो आदमी जी से नीचे जाएगा तो सोचिए कि ये जो बॉल है वो भी जी से नीचे जाना चाहे, उसका एक्सेलरेशन जी होना चाह रहा है, ये आदमी खुद भी जी से नीचे जा रहा है, ए का वैल्यू जी के बराबर हो गया, तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेगा क्या? बिल्कुल नहीं देखेगा। जितने रेट से बॉल नीचे जाना चाहेगा, जितने रेट से मतलब ये बॉल का वेलोसिटी चेंज होगा उतने रेट से इसका भी वेलोसिटी नीचे चेंज होगा, तो यहाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन तो हुआ ही नहीं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो किधर देखेगा? हो जाते हुए सीधा जाते हुए देखेगा, सिंपल सी बात है। सामने नहीं रहे नहीं तो मैं बताता आपको कैसे। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो सेकेंड केस है उसमें अगर एक्सेलरेशन एग्जैक्टली जी के बराबर होगा मतलब कि स्ट्रिंग टूट जाए तो उस केस में जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा और पार्टिकल का मोशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली। और वही अगर एक्सेलरेशन बढ़ जाए, तो एक्सेलरेशन अगर बढ़ जाए तो सोचिए कि उसको अगर सोचना है तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बिल्कुल है, सोचिए कि एक दुनिया है जिसमें प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया हो यू से ऊपर की तरफ ऐसे इस तरह से, और इस दुनिया का एक्सलेशन ऊपर की तरफ है, एक्सलेशन ऊपर की तरफ है और ए माइनस जी है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ बेंड करेगा, नीचे की तरफ रहता तो एक्सलेशन नीचे की तरफ बेंड करता था, किधर भी एक्सलेशन नहीं है तो सीधा जाता है वो। तो अगर ऊपर की तरफ एक्सलेशन होगा इस दुनिया का तो ऊपर की तरफ बेंड करेगा। तो वही मैं लॉजिक यूज कर रहा हूँ कि थर्ड केस में जो है, जो थर्ड केस है आपका, उस केस में पार्टिकल ऊपर की तरफ जाते नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होगा अगर आपको और सोचना है तो मैं आपको, टाइम ऐसा हो चुका है लेकिन मैं आपको एक बार और सोचवाता हूँ कि कैसे सोचा जाता है क्वेश्चंस को, कि आप अगर इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये तो बॉल तो जाना चाहेगा नीचे जी से, लेकिन जो लिफ्ट है ज़्यादा तेज से जा रहा है, ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन है, ए का वैल्यू ज़्यादा है जी से तो ज़्यादा से जाएगा, तो बॉल अगर सपोज कि ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा लेकिन लिफ्ट ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो लिफ्ट ज़्यादा नीचे चला गया तो लिफ्ट का जो है ये सीलिंग है कुदरे को आज हिट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा वो, क्योंकि ऐसा सोचिए कि सीलिंग जल्दी तेज आ रहा है, बॉल नीचे जाना चाह रहा है लेकिन सीजी उसको सीलिंग जो है जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है, तो उस केस में ये बॉल ऊपर की तरफ चला जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग लिफ्ट के क्वेश्चन से डील करते हैं। इस बात को आप फिर से सोचिएगा, ये सोचने का है, ऐसा नहीं कि आपको एक बार में बिल्कुल समझ में आ जाए। ऐसा कुछ तो होता तो क्या बताऊँ आपको, सोने पे सुहागा होता। तो ये क्वेश्चन को आप फिर से आप सोचिएगा कि क्या सिचुएशंस आ रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बता दो कि जब भी आपको लिफ्ट का क्वेश्चन डील करना हो तो उस केस में आप क्या करेंगे। वाओ, आई रोट डाउन करेक्टली। सो उस केस में आप क्या करेंगे कि लिफ्ट के अंदर बैठकर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं मिनिमम सेपरेशन, प्रोजेक्टाइल में मिनिमम सेपरेशन का बात करूंगा, जिसको मैं कोलिजन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि कोलिजन के केस में कैसे कैसे पार्टिकल कोलाइड करता है। और मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि हम लोग उस सारे क्वेश्चंस को शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, और वो शॉर्टकट हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।